अब रुख करते हैं जिला बहावल नगर के नवाहे गांव निक्कु चक्का, जहां खस्ता और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम का महकमा हेल्थ WOH और यूनिसेफ के इश्तराक से कैंप कायम किया गया, जहां 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को खस्ता और रुबेला से बचाव के मुफ्त हिफाजती टीके लगाए गए। महकमा सेहत के अफसरान और पैरा मेडिकल स्टाफ, वालदैन और बच्चे इस मौके पर मौजूद थे। फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर मोहम्मद शफीक ने कहा कि हुकूमत की जानिब से 15 नवंबर से 27 नवंबर तक शुरू होने वाली खस्ता और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम में बच्चों को करीब तरीन RC वैक्सीनेशन सेंटर, स्कूल या सरकारी मराकज सेहत में मुफ्त हिफाजती टीका जात लगाकर अपने बच्चों की जिंदगी को जानलेवा बीमारियों से महफूज बनाएं। फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर मोहम्मद शफीक ने सारे ख्याल करते हुए कहा कि बहावल नगर जिला में 9 मार्च से 15 साल तक की उम्र के 12,56,000 से ज्यादा बच्चों को इस मुहिम के दौरान मीजल और रुबेला से बचाव के टीका जात लगाए जाएंगे। इलावा इस दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे भी पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के दौरान UC33 की टीम नंबर 4 के सोशल मोबाइलाइजर्स ने ऐलानात भी किए। हमारे नुमाइंदे आसिफ तरल लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल और सेहत के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि खस्ता और रुबेला के हिफाजती इंजेक्शन पूरे पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं और ये इकदाम WHO और यूनिसेफ के इश्तराक से किया गया है। यहाँ मुख्तलिफ कैंप तश्कील दिए गए हैं। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ज़िला बहावल नगर के महकमा हेल्थ के अफसरान ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं और एक टीम ज़िला बहावल नगर के नवाही इलाका निक्कु चक में मौजूद है, जहाँ वो 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को खस्ता और रुबेला से बचाव के मुफ्त हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं, जिसकी निगरानी फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर मोहम्मद शफीक साहब ने की है। और वो ये हमें कह रहे हैं कि हमारे साथ इलाका मकीनों ने मुकम्मल कोऑपरेट किया है और उन्होंने बढ़ चढ़ कर बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगवाए हैं और उनका ये कहना है कि ये इंजेक्शन ये लगवा रहे हैं कि ताकि हमारे बच्चे जो है मौजी बीमारियों से बच सकें। जी